हाय हेलो बच्चों, मैं हूं हेमंत शर्मा। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पे। आज के इस पेपर में बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं पेपर सेट थर्ड। ठीक है, पेपर सेट थर्ड लेके आए हैं जो कि आर्मी का है। ठीक है, आर्मी का ट्रेड्समैन का पेपर है। तो इसमें जीके और जीएस के हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कृपया करके इसको पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप जरूर इसको देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जवाब देंगे सभी बच्चे। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें देखेंगे, दिया है मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे का नाम क्या था। ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वही क्या रहेगा, राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, औरंगजेब हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें औरंगजेब के पिता की तो औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, औरंगजेब के पिता का दोस्तों शाहजहां नाम था। क्या था, शाहजहां। ठीक है, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था, शाहजहां। ठीक है, औरंगजेब के पिता का शाहजहां नाम था। ठीक है, अगर हम बात करें शाहजहां की तो शाहजहां जो थे वो भारत के पांचवें राजा थे। ठीक है, मुगल शासक राजा जो थे वो पांचवें थे। ठीक है, पांचवें मुगल शासक। यह पांचवें भारत के मुगल शासक थे। ठीक है, अगर हम बात करें औरंगजेब की तो औरंगजेब कौन सा था, औरंगजेब छठा था। ठीक है, छठा मुगल शासक था। औरंगजेब जो है औरंगजेब छठा मुगल शासक था। और इसका शाहजहां का जो शासनकाल था वो कितना था, तो शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक था। ठीक है, कितना था, इनके शासनकाल की बात करें तो 1628 से और 1658 तक। ठीक है, कितना था, 1658 तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, इसके बाद में जो राजा थे वो कौन बने थे, औरंगजेब। औरंगजेब जो थे शाहजहां का बड़ा पुत्र था। ठीक है, औरंगजेब जो थे वो शाहजहां के बड़े बेटे थे, बड़े पुत्र थे। ठीक है, और अगर बात करें औरंगजेब के बाद में, ठीक है, तो औरंगजेब के बाद में जो था औरंगजेब का लड़का बना था, कौन, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह जो था वो कौन सा मुगल शासक था, वह सातवां मुगल शासक था। ठीक है, सातवां मुगल शासक। यह सातवां मुगल शासक था। अगर हम बात करें कि औरंगजेब, ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में बात करें तो औरंगजेब की माता का क्या नाम था, औरंगजेब की माता का क्या नाम था, तो औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज। ठीक है, क्या नाम था, मुमताज। मुमताज बेगम। अब यहां पर बात आती है कि शाहजहां, ठीक है, तो शाहजहां की जो इमारत थी, तो शाहजहां की, शाहजहां ने जो इमारत बनवाई थी वो कौन सी थी, तो वो थी ताजमहल। ठीक है, ताजमहल थी जो क्यों बनवाई थी, तो ये उन्होंने मुमताज की याद में बनवाई थी। ठीक है, तो इसको कहते हैं मुमताज की यादगार, मुमताज महल की यादगार। ठीक है, तो इन्होंने मुमताज महल की यादगार में क्या करा था, ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ताजमहल बनवाया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है बच्चों, तो बताएंगे इस पे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, दिया है उत्तराखंड राज्य बनने से पहले देहरादून शहर
किस राज्य में शामिल था, ठीक है। तो देहरादून राज्य किस शहर में, किस राज्य में था, ठीक है। देहरादून शहर जो है वो किस राज्य में था उत्तराखंड राज्य होने से पहले, ठीक है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, सभी बच्चे बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है हमारा, राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा, जो राइट आंसर रहने वाला है क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर रहेगा, उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड, ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हटके बना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था किसी समय, अब वो जो है उत्तराखंड में बदल गया, ठीक है, उत्तराखंड में बांट दिया गया। तो कब बटा था, तो ये सन 2000 में, ठीक है, कब बटा था, सन 2000 में, सन 2000 में जो है इसको एक अलग राज्य का नाम दिया गया था जिसको कहते हैं उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी जो है वो क्या है, देहरादून। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, देहरादून है। अगर हम यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो कौन है, तो वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी इन्होंने जो है कब शपथ ली थी, तो इन्होंने शपथ ली थी 4 जुलाई 2021 में, ठीक है, कब ली थी। अगर इनकी शपथ की बात करें तो इन्होंने 4 जुलाई सन 2021 में शपथ ली, ठीक है, सन 2021 में। अगर हम बात करें कि इनसे पहले जो थे, इनसे पूर्व जो थे कौन से मुख्यमंत्री थे, तो इनसे पूर्व अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो इनसे पूर्व हमारे मुख्यमंत्री होंगे तीरथ सिंह रावत, ठीक है, कौन थे, तीरथ सिंह रावत। पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे, तीरथ सिंह रावत, ठीक है, तीरथ सिंह रावत थे। जो कब तक रहे थे, तो ये चार, ये जो है इनका कार्यकाल था 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक रहे थे, कितने तक, 18 मार्च इनका कार्यकाल जो है, अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है वो 18 मार्च 2017 से 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक, ठीक है, 2021 तक रहे थे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनके सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, मुख्यमंत्री जो थे, सबसे पहले के जो थे प्रथम मुख्यमंत्री, वो कौन थे, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात करें, प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें, तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे नित्यानंद स्वामी, ठीक है, कौन थे, नित्यानंद स्वामी। तो आपको इसके बारे में पता चल गया, ठीक है। तो दोस्तों बच्चों कृपया करके इसको जरूर देखेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए, ठीक है, तो इसको जरूर देखें। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है उसको देख लेंगे, तो बताएंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे लग गया है, क्या रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, कुंभलगढ़ किला किस जिले में है, ठीक है, तो कुंभलगढ़ किला किस जिले में है, तो ये सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, कुंभलगढ़ जिला जो है वो किला जो है वो किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें, राइट आंसर कौन सा रहेगा, सभी लोग बताएंगे, सभी बच्चे, तो देखेंगे इसमें जो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारा, जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या रहने वाला है,
नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राजसमंद, ठीक है। राजसमंद जिला जो है वो कहां स्थित है, वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें राजसमंद, ठीक है, तो राजसमंद जिला जो है वो राजस्थान प्रदेश में स्थित है, कहां है इसका प्रदेश की अगर बात करें तो इसका प्रदेश है राजस्थान, राजस्थान भारत, यानी कि भारत का एक प्रदेश है राजस्थान। तो ये राजस्थान प्रदेश पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, क्या पड़ता है, एक जिला पड़ता है, क्या है, यह जिला है, ठीक है। राजसमंद एक जिला है जो कि कहां पर है, राजस्थान में है, ठीक है, भारत के राजस्थान प्रांत में। अगर हम बात करें कुंभलगढ़ की, ठीक है, तो कुंभलगढ़ का जो है, कुंभलगढ़ का जो है वो निर्माण किसने कराया था, अगर निर्माण की बात करें हम कुंभलगढ़ के, वो किसने कराया था, तो निर्माण की देख लेते हैं, अगर निर्माण की बात करें तो ये किसने कराया था, तो ये महाराणा कुंभा ने कराया था, किसने कराया था, महाराणा कुंभा ने, ठीक है, महाराणा कुंभा में, कुंभा ने करवाया था, कब करवाया था, अगर हम इसके सन की बात करें कि कौन सी सन में करवाया था, तो इन्होंने 13 मई सन 1459 में करवाया था, कब करवाया था, 13 मई सन 1459, ठीक है, सन 1459 में कराया था इन्होंने। अगर हम बात करें कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इसे अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि कुंभलगढ़ जो है, ठीक है, तो कुंभलगढ़ जो है वो ऐसा है, इसकी जो कुंभलगढ़ की जो दीवार है, ठीक है, तो वो विश्व की दीवारों में चीन की दीवार से दूसरी सबसे बड़ी दीवार है विश्व की, ठीक है, अगर हम बात करें तो देखेंगे इसके चारों ओर जो है एक बड़ी दीवार है, ठीक है, इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार, एक बड़ी दीवार है जो कि चीन की दीवार से, जो कि चीन की दीवार से जो कि चीन की दीवार के बाद, विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, ठीक है, चीन की दीवार के बाद में सबसे बड़ी दीवार मानी जाने वाली कुंभलगढ़ की दीवार है, जो कि कुंभलगढ़ के, कुंभलगढ़ जो किला था उसके चारों ओर की दीवार है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है उसको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे लग गया है, तो देखेंगे बताएंगे सभी लोग कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें। क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है सरिस्का, ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में, सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है, तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, कौन सा ऑप्शन रहेगा, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो देखेंगे इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहने वाला है, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, तो देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अलवर, ठीक है, अलवर जिला जो है अलवर जिले में स्थित है, ठीक है, तो अलवर जिला जो है वो कहां पर स्थित है, वो राजस्थान में, कहां, राजस्थान भारत, यानी कि भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है, ठीक है, राजस्थान प्रदेश में स्थित है, राजस्थान एक प्रांत है, ठीक है, क्या है, एक प्रांत है जिसमें एक अलवर डिस्ट्रिक्ट स्थित है, ठीक है, अलवर, और अलवर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, सरिस्का अभ्यारण्य, ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में क्या है,
सरिस्का अभ्यारण्य है। अगर हम इसके बात करें कि सरिस्का अभ्यारण्य जो है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो सरिस्का अभ्यारण्य जो है इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, ठीक है, इसको वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, इसको वन्य जीव अभ्यारण्य जो है का दर्जा कब दिया गया था। अगर हम इसकी बात करें कि इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो ठीक है, तो इसमें जो है सन 1955 में दिया गया था। कब दिया गया था? सन 1955 में, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सन 1955 में जो है उन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। किसे दिया गया था? सरिस्का अभ्यारण्य को, ठीक है। अगर हम बात करें इसके दूसरे की, ठीक है, तो इसको सन 1978 में, ठीक है, कितने में, सन 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? टाइगर रिजर्व बना दिया गया, ठीक है। टाइगर रिजर्व बना दिया, ठीक है। कब बना दिया गया? सन 1978 में। सन 1978 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 800, इसके क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 866 वर्ग किलोमीटर, 866 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। मगर ये जो है कुछ समय बाद, जैसे कि टाइगर रिजर्व बना था तो टाइगर रिजर्व बनने के कुछ समय बाद जो है इसको राष्ट्रीय पार्क भी घोषित कर दिया गया, ठीक है, कुछ समय या कुछ साल बाद। कुछ साल बाद जो है इसको क्या किया था? राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया। राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया, ठीक है, कुछ साल बाद जो है इसको क्या किया? राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है स्क्रीन पे, तो बेटा लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन और जो वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो इसको देखेंगे कौन सा है। तो सभी लोग बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है हमारा, कौन सा राइट आंसर रहेगा, सभी बच्चे बताएंगे। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, भारत रत्न, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है, ठीक है, भारत रत्न है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 2 जनवरी सन 1954 में हुई थी। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 2 जनवरी सन 1954, 2 जनवरी सन 1954 में हुई थी, ठीक है, कब हुई थी? 2 जनवरी सन 1954 में हुई थी। अगर हम इसकी बात करें कि जो है ये किसके द्वारा करी गई थी, तो ये जो है राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, ठीक है, किनके द्वारा करी गई थी? किनके द्वारा की गई थी? तो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ठीक है, श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा करी गई, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसको सर्वप्रथम जो है ये पुरस्कार किसे दिया गया था, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार जो है वो सर्वप्रथम किसे मिला था,
तो सर्वप्रथम की बात करें हम, तो अगर हम सर्वप्रथम की बात करें तो सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। क्यों दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है किसे दिया गया था? तो सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। कौन सी सन में दिया गया था? सन 1954 में। कब दिया गया था? 1954, ठीक है। 1954 में दिया गया था। अगर हम बात करें कि इसको अंतिम बार किसे दिया गया था, ठीक है, तो अंतिम बार की बात करें, अगर हम अंतिम बार की बात करें तो नानाजी देशमुख को दिया गया था, ठीक है। अंतिम बार जो है नानाजी देशमुख, ठीक है, नानाजी देशमुख को दिया गया था। कब दिया गया था? सन 2019 में, ठीक है। कब दिया गया था? सन 2019 में, ठीक है, सन 2019 में दिया गया था। अगर हम बात करें कि ये जो है भारत रत्न पुरस्कार जो है वो अब तक कितने दिए गए हैं, ठीक है, अब तक कुल कितने दिए गए हैं, तो अगर हम बात करें कुल की, कुल अब तक, अगर हम अब तक की बात करें कि अब तक कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये अब तक कुल 48, ठीक है, कितने दिए गए हैं? 48 पुरस्कार दिए गए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है उसे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, दिया है पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप वनडे में 2016 तक कितनी बार हराया, ठीक है, 2016 तक कितनी बार हराया है। तो देखेंगे बताओ कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें, जो राइट आंसर रहेगा हमारा कौन सा रहेगा, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है हमारा। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा, ठीक है, जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कभी नहीं हराया है, ठीक है, सन 2016 तक तो कभी नहीं हराया है। तो हम देखेंगे बात करेंगे इसकी, तो भारत और पाकिस्तान जो है वो सन 1992 से और सन 2019 तक वर्ल्ड कप में अब तक 17 बार जो है आमने सामने भिड़े हैं, ठीक है, बट क्या हुआ है कि भारत को अभी तक पाकिस्तान ने नहीं हराया, ठीक है। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान जो है वो सन 1992 से और 2019 तक, ठीक है, 1992 से 2019 तक वनडे में, ठीक है, वनडे में बनने में अब तक जो है कितने बार वनडे वर्ल्ड कप होगा, तक वर्ल्ड कप में 17 बार, ठीक है, 17 बार भिड़े हैं, सत्रह बार भिड़े, बट क्या हुआ है कि भारत हर बार में जीता, ठीक है, भारत ने हर बार बाजी मारी, ठीक है, हर बार बाजी मारी है, हर बार में भारत जीता है, ठीक है, सन 2019 तक, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है,
तो सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हॉकी। ठीक है, हॉकी हमारा राइट आंसर रहेगा, हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि ये सबसे पहले कब कहाँ खेला गया था, ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है वो भारत में खेला गया था, कहाँ खेला गया था अगर हम बात करें हॉकी, अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी जो है वो सबसे पहले ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ खेली गई थी हॉकी, सबसे पहले खेला गया था भारत में। भारत में, ठीक है, सबसे पहले भारत में खेला गया था। अगर हम बात करें कि इसमें ये जो है पहली बार ओलंपिक में कब खेला, ठीक है, तो पहली बार ओलंपिक में अगर हम बात करें पहली बार, ठीक है, पहली बार ओलंपिक में कब खेला गया था, तो ये सबसे पहली बार ओलंपिक में 29 अक्टूबर 1908 में खेला गया था। ठीक है, 29 अक्टूबर 1908 में, ठीक है, 1908 में खेला गया था। अगर हम बात करें कि भारत का खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है, तो भारत का खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, भारत का खेल दिवस, कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये खेल दिवस जो है किसके रूप में मनाया जाता है, तो ये जो है हॉकी के जादूगर, ठीक है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, ठीक है, हॉकी के जादूगर की बात करें, हॉकी के जादूगर, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, जन्मदिन पर, जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म भी कब हुआ था, 29 अगस्त को हुआ था। ठीक है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो इसमें देखेंगे इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन जो है इनका कार्यालय प्रवेश कब हुआ था, ठीक है, अगर इनके कार्यालय प्रवेश की बात करें, ठीक है, अगर इनके कार्यालय प्रवेश की बात करें कि इनका कार्यालय प्रवेश कब हुआ था, तो इनका कार्यालय प्रवेश जो है वो 15 अगस्त 1947 में हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त 1945 में। ठीक है, 15 अगस्त 1945 में हुआ था।
ठीक है, अगर बात करें कि इन्होंने कार्यालय त्याग, ठीक है, इनका कार्यालय त्याग जो था वो कब हुआ था, अगर हम त्याग की बात करें तो कार्यालय त्याग, इनका कार्यालय त्याग जो है वो कब हुआ था, तो इनका कार्यालय 21 जून सन 1948 में, कब हुआ था, 21 जून सन 1948 में हुआ था, ठीक है, 21 जून सन 1948 में हुआ था। अगर हम बात करें कि इसके द्वितीय गवर्नर कौन थे, दिया है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, यानी कि स्वतंत्र भारत से पहले जो गवर्नर थे प्रथम वो कौन थे, तो प्रथम गवर्नर कौन थे, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम बात करें कि द्वितीय, ठीक है, तो दो ही थे गवर्नर, ठीक है, भारत जो है आजाद होने से पहले दो ही गवर्नर थे। दूसरे की बात करें तो दूसरे कौन थे, द्वितीय गवर्नर थे श्री सी श्री राजगोपालाचार्य, ठीक है, श्री राजगोपालाचार्य, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे श्री चक्रवर्ती, ठीक है, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य, ठीक है, ये थे। अगर हम बात करें कि इनका कार्यालय प्रवेश कब हुआ था, तो इनका कार्यालय प्रवेश जो है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था इनका 21 जून सन 1948 से, 21 जून सन 1948 से, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनका त्याग कब हुआ था, इन्होंने कार्यालय त्याग कब किया था, तो इनका त्याग जो है इन्होंने 26 जनवरी सन 1950 में किया था, कब किया था, 26 जनवरी सन 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी सन 1950 में किया था। अगर हम बात करें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, तो इसमें देखेंगे हमारा कौन सा राइट आंसर रहेगा, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा राइट आंसर रहेगा इसमें हमारा, तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। औरंगाबाद जो है ये कहां पड़ता है, ये महाराष्ट्र प्रांत में पड़ता है, कहां पड़ता है, भारत के महाराष्ट्र प्रांत में, ठीक है, यह भारत के महाराष्ट्र प्रांत में पड़ता है औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद एक शहर है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं वो किसने बनवाई थी, ठीक है, तो ये बनवाया किन्होंने था, अगर हम बात करें कि किन्होंने बनवाया, ठीक है, तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था, किसने बनवाया था, बनवाया किन ने बनवाया था, तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों, ठीक है, शासकों ने बनवाया था, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। अगर हम बात करें कि इसमें मंदिरों की बात करें, ठीक है, अगर हम इसमें मंदिरों की बात करें, अगर हम इसमें मंदिरों की बात करें, तो इसमें मंदिरों की संख्या अगर हम देखें, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से धर्म के मंदिर थे, ठीक है, तो इसमें हिंदू और बौद्ध और जैन धर्म के मंदिर, ठीक है, हिंदू कामा बौद्ध कामा जैन धर्म, जैन धर्म के मंदिर थे, ठीक है, जैन धर्म के मंदिर बने थे, मंदिर थे, ठीक है, मंदिर थे। अगर हम बात करें कि ये जो है इनका प्रकार कौन सा था, ठीक है, तो इनका सांस्कृतिक प्रकार, अगर हम प्रकार की बात करें इनके, तो इनका कौन सा प्रकार था,
सांस्कृतिक प्रकार, ठीक है, कौन सा था? सांस्कृतिक प्रकार था। अगर हम इनके बात करें कि इनकी गुफाएं जो थी वो कौन से, यानी कि कौन से धर्म की कितनी गुफाएं थी, ठीक है। अगर हम बात करें इनके बौद्ध गुफाओं की, ठीक है, चलो पहले हिंदू की देख लेते हैं। हिंदू गुफाएं जो थी वो कितनी थी, ठीक है, तो हिंदू गुफाएं थी वो 17 थी। कितनी थी? 17 गुफाएं थी। अगर हम बात करें बौद्ध की, तो बौद्ध गुफाएं जो थी वो कितनी थी? 12 थी। अगर हम बात करें जैन की, ठीक है, तो जैन गुफाएं कितनी थी? 5 थी, ठीक है, कितनी थी? 5 थी। और कुल गुफाएं कितनी थी? अगर हम बात करें कुल की, कुल गुफाएं थी, ठीक है, तो कुल गुफाएं कितनी थी? 34 थी। कितनी थी? कुल 34 गुफाएं थी, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा? वीडियो को जल्दी से लाइक करिएगा, जरूर लाइक ठोकिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से समझाया गया है वीडियो में, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। और SSC GD यानी कि कोई सा जो एग्जाम होता है उसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। तो खास करके आर्मी वालों के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, विश्वनाथन आनंद किससे संबंधित है, ठीक है। विश्वनाथन आनंद जो है वो किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, सब जल्दी से बताएंगे सभी लोग, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है इसमें। तो देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा, शतरंज। अगर हम शतरंज की बात करें तो शतरंज जो है, पहले हम बात करते हैं विश्वनाथन की, ठीक है। विश्वनाथन की अगर हम बात करें तो विश्वनाथन आनंद जो है वो कौन है? वो शतरंज है, यानी कि एक शतरंज से संबंधित है, ठीक है। खिलाड़ी थे शतरंज के विश्वनाथन आनंद, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये भारतीय शतरंज से संबंधित है। संबंधित हैं किससे हैं? भारतीय शतरंज से। भारतीय शतरंज से संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कि इनका जन्म कब हुआ था, अगर हम इनके जन्म की बात करें, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1969 में हुआ था, ठीक है। और 1969 में हुआ था। इनकी आयु जो है, अगर हम इनकी आयु की बात करें तो इनकी आयु जो है वो कितनी है? 51 वर्ष है, ठीक है। ये अभी जीवित हैं, ठीक है, इनकी 51 वर्ष आयु है। अगर हम बात करें कि इनका स्थान कहाँ है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, अगर हम इनके स्थान की बात करें तो इनका स्थान चेन्नई, ठीक है, चेन्नई के तमिलनाडु शहर के रहने वाले हैं। चेन्नई के, ठीक है, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, भारत, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है, भारत के तमिलनाडु प्रांत में पड़ता है। अगर हम बात करें कि इनके विश्व प्रतियोगिता, अगर विश्व प्रतियोगिता की बात करें, इसकी विश्व प्रतियोगिता की बात करें, अगर हम इनकी विश्व प्रतियोगिता की बात करें तो इनकी विश्व प्रतियोगिता जो है वो सन 2000 से 2002, ठीक है, सन 2000 से 2002 में फीड, सन 2002 से, सन 2000 से, सन 2002, ठीक है, सन 2000 से सन 2002 फीड, और 2007, ठीक है, कह सकते हैं 2007 से 13 और 2007 से 13, ठीक है, ये थी। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। दिया है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे दिया है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या, ठीक है। तो इसमें देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज जो है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3:2, ठीक है, 3:2 होता है। अगर हम बात करें कि भारतीय ध्वज को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, भारतीय ध्वज का नाम जो है वो क्या है, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज इसका नाम जो है वो क्या है, इसका नाम है तिरंगा, ठीक है, तिरंगा नाम से जानते हैं, किससे जानते हैं, तिरंगा के नाम से जानते हैं, ये तिरंगा के नाम से प्रचलित है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये अंगीकृत कब किया गया था, ठीक है, अगर हम बात करें कि अंगीकृत, तो अंगीकृत कब किया गया था, सन 1947 में, ठीक है, कब किया गया था, सन 1947 में किया गया था ये, ठीक है, अंगीकृत। अगर हम बात करें अभिकल्पनाकर्ता की, ठीक है, इनके अभिकल्पनाकर्ता कौन थे, ठीक है, तो पिंगाली वेंकैया, ठीक है, कौन थे, अभिकल्पनाकर्ता। अगर हम इनके अभिकल्पना की अभिकल्पनाकर्ता की बात करें तो कौन थे, पिंगाली वेंकैया, पिंगाली वेंकैया, ठीक है, पिंगाली वेंकैया। अगर हम इनके बात करें कि इसमें रंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके सफेद रंग जो होता है बीच में होता है, ठीक है, सफेद रंग कहाँ होता है, सफेद रंग बीच में होता है। अगर हम बात करें कि सफेद पट्टी के केंद्र में, ठीक है, सफेद पट्टी के केंद्र में, ठीक है, सफेद पट्टी के केंद्र में क्या होता है, एक चक्र होता है, ठीक है, क्या होता है, एक चक्र होता है जिसको कहते हैं पहिया, ठीक है, एक पहिया होता है, इसमें तीलियों की संख्या, तीलियां, अगर हम इसमें तीलियों की बात करें तो तीलियां कितनी होती हैं, 24 तीली होती हैं। अगर हम इसके रंग की बात करें, ठीक है, तो कैसा होता है, गहरा नीला रंग होता है, ठीक है, कैसा रंग होता है, गहरा नीला रंग होता है ये, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो तिरंगे के सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर रंग जो होता है वो कौन सा होता है, केसरिया, ठीक है, और सबसे नीचे कौन सा होता है, हरा, ठीक है, सबसे नीचे हरा होता है, और बीच में तो आपको पता है बीच में सफेद होता है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो देखेंगे यह भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है, तो इसमें देखेंगे यह जो लागू हुआ था तो कौन सी सन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, 26 जनवरी सन 1950, ठीक है, तो 26 जनवरी सन 1950 होगा, क्योंकि जब लागू हुआ था तो लागू कौन सी सन में हुआ था, लागू हुआ था तो ये 26 जनवरी सन 1950 में लागू हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये तैयार कब हुआ था, ठीक है, अगर तैयार की बात करें, ऑप्शन आता है, ठीक है, ऑप्शन आता है कि ये तैयार कब हुआ था, ठीक है, तो 26 नवंबर सन 1949 में, 26 नवंबर सन 1949
49 में, ठीक है, 26 नवंबर से 1949 में ये क्या हुआ था, तैयार हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें इस दिन को किसके रूप में मनाया जाता है, कौन से पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो इस दिन को जो है वो किसके रूप में मनाया जाता है, इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसके, गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन को, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, देखेंगे सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, दिया है बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, बुलंद दरवाजा, ठीक है, तो बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, तो इसमें देखेंगे बुलंद दरवाजा जो है वो कहां स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है, कहां स्थित है, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश भारत, ठीक है, कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश प्रांत में, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और कहां, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में पड़ता है, ठीक है। अगर अगर हम बात करें कि इसका निर्माण, ठीक है, अगर इसके बात करें कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वो किसने कराया, अगर हम इसका बात करें निर्माण की, तो निर्माण जो है ये किसने कराया था, तो ये अकबर ने कराया था, किसने कराया था, अकबर ने कराया था, कब कराया था, सन 1600, कब कराया था, सन 1600 में कराया था अकबर ने, 1600 में, 1600 में कराया था, सन 1600 में कराया था, ठीक है। अगर हम बात करें, सॉरी, सन 1602 में, दो में कराया, ठीक है, कब में कराया था, सन 1602 में कराया था, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर हम इसके बात करें कि हाँ ये खुलता कब, ठीक है, खुलने का समय इसका देखेंगे, ठीक है, इसके खुलने का समय क्या है, इसके खुलने के समय की बात करें तो इसके खुलने का समय क्या हो जाता है, इसके खुलने का समय होता है प्रातः 8 बजे से, कितने से, प्रातः 8 बजे से, ठीक है, बंद होने का समय कितना होता है, तो बंद होने का समय होता है शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे बंद होता है। अगर हम बात करें इसके मुख्य आकर्षण की, ठीक है, मुख्य अगर हम इसके बात करें मुख्य आकर्षण, तो मुख्य आकर्षण क्या है इसका, मुख्य आकर्षण है कुरान, ठीक है, कुरान के शिलालेख, ठीक है, क्या है, कुरान के शिलालेख, ठीक है। अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो इसमें देखेंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, तो इसमें देखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर हम बात करें कि इसके प्रतीक के रूप में, ठीक है, तो राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ये जो है कब अपनाया गया था, ठीक है, अगर हम बात करें इसको, इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया, राष्ट्रीय प्रतीक के
रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया था? तो ये हम देखेंगे, ये जो है 26 जनवरी सन 1950 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी सन 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी सन 1950 में अपनाया गया था। अगर हम बात करें कि सत्यमेव जयते जो है वो कौन सी लिपि में है, ठीक है, सत्यमेव जयते जो है वो कौन सी लिपि है, तो ये कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखा है। कौन सी लिपि में लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा है। अगर हम बात करें कि ये कहां से लिया गया है, अगर हम बात करें कि ये लिया कहां से गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर होगा। और किनके द्वारा होती है, ठीक है, अगर हम बात करें कि किसके अंतर्गत होती है, ठीक है, किसके अंतर्गत होती है, ठीक है, तो यह जो है भारतीय अधिनियम संख्या 124, ठीक है, भारतीय अधिनियम संख्या 124 के द्वारा सेक्शन के अंतर्गत होती है, ठीक है, दूसरे सेक्शन के अंतर्गत होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये भारतीय अधिनियम संख्या 124 के दूसरे, ठीक है, 124 के दूसरे सेक्शन के अंतर्गत, दूसरे सेक्शन के अंतर्गत, दूसरे सेक्शन के अंतर्गत होती है। अगर हम बात करें इसके, ठीक है, कि उच्चतम न्यायालय के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं वो कौन है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की बात करें, वर्तमान न्यायाधीश, ठीक है, वर्तमान न्यायाधीश कौन है, अगर हम बात करें कि इनके वर्तमान न्यायाधीश कौन है, तो कौन है? नूतलपति नूतलपाट वेंकटर रमन, ठीक है, कौन है? नूतलपाट वेंकटर वेंकटर रमन, ठीक है। अगला देखेंगे, नूतलपाट, ठीक है, नूतलपाट वेंकटर रमन, ठीक है, कौन है? बैंक टर्म, ठीक है, ये हैं इसके वर्तमान समय के, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनका कार्यारंभ कब हुआ था, ठीक है, तो कार्यारंभ की बात करें, इनका कार्यारंभ कब हुआ था, तो इनका कार्यारंभ जो है वो 24 अप्रैल 2021, ठीक है, 24 अप्रैल 2021, ठीक है, 24 अप्रैल 2021। अगर हम कार्यकाल की बात करें कि इनके कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल समय कितना होता है, ठीक है, तो ये कितना होता है? 65 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष की उम्र तक कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है,
आयु तक। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत, भारत संविधान का अनुच्छेद 370 से संबंधित, ठीक है 370 से संबंधित है। तो 370 जो है किस में लगी हुई थी, तो 370 धारा कहाँ लगी हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर, ठीक है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एवं कश्मीर, अगर हम बात करें धारा 370 जो थी वो कहाँ लगी हुई थी, तो धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये धारा कब हटी, ठीक है बात करें 370 धारा जो है वो कब हटी, अगर हम बात करें धारा 370 जो है वो कब हटी थी, तो 5 अगस्त 2019 को, ठीक है कब हटी थी, 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। लाइक करते रहिएगा वीडियो को, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है बच्चों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि हमारी आने वाली वीडियोस और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है भारत के प्रथम नोबल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम क्या है, ठीक है नोबल प्राप्तकर्ता का नाम क्या है, जो भारत के प्रथम नोबल प्राप्तकर्ता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो देखेंगे प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था, ठीक है तो प्रथम बार किसे दिया गया था, अगर हम बात करें कि प्रथम नोबेल पुरस्कार, ठीक है प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है किन्हें दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अगर हम बात करें कि किस क्षेत्र में दिया गया था, किस क्षेत्र में, कि किस क्षेत्र में दिया गया, तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, किसके, इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अगर हम बात करें कि भारत में अंतिम बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, ठीक है अंतिम बार, ठीक है अगर हम बात करें कि अंतिम बार, तो अंतिम बार किसे दिया गया था, तो अंतिम बार कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, किसे दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, कौन सी सन में, सन 2014, ठीक है 2014, सन 2014 में दिया गया था इन्हें, किस क्षेत्र में दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था, तो इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था, किसके, शांति के, शांति के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, देखेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कौन सा रहने वाला है हमारा, राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे, बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है, जामा मस्जिद कहां पर स्थित है, ठीक है जामा मस्जिद कहां स्थित है, तो सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा हमारा इसमें। तो देखेंगे बच्चों जो राइट आंसर रहने वाला है इसमें वो हमारा क्या रहेगा, जामा मस्जिद कहां स्थित है, ठीक है तो जामा मस्जिद जो है वो कहां स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर रहेगा, दिल्ली में, ठीक है कहां स्थित है, दिल्ली में स्थित है। अगर हम इसकी बात करें दिल्ली की, अगर हम बात करें तो दिल्ली के इसमें मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, ठीक है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, केजरीवाल, ठीक है श्री
केजरीवाल, ठीक है, कौन है, श्री केजरीवाल हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जामा मस्जिद की, ठीक है, जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो कब हुआ था, जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, सन 1656 में, ठीक है। अगर इसके जामा मस्जिद के निर्माण की बात करें तो कब हुआ था, 1656 में, ठीक है, 1656 में हुआ था, ठीक है। एक बात और, दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, किसकी है, भारत की राजधानी है, ठीक है, दिल्ली जो है वो क्या है, भारत की राजधानी है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो निर्माण इसका 1656 में हुआ था, ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है, यह जो है भारत की, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगर हम बात करें कि इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था, किसने करवाया था, शाहजहां ने, शाहजहां ने करा, किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था। इसमें बनने में समय कितना लगा था, अगर बनने में समय की बात करें तो इसमें 6 वर्ष लगे थे, कितने लगे थे, 6 वर्ष लगे थे। अगर इसमें हम लागत की बात करें कि इसमें लागत कितनी आई थी, तो इसमें लागत जो है वो कितनी आई थी, 10 लाख, ठीक है, कितनी आई थी, 10 लाख रुपए, लागत आई थी इसमें, ठीक है। इसकी लंबाई जो है, अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, इसकी लंबाई 80 मीटर है, कितनी है, 80 मीटर है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है, अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है वो 27 मीटर है, कितनी है, 27 मीटर है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, अगर मीनार की ऊंचाई की बात करें, अगर हम मीनार की ऊंचाई की बात करें तो इसकी 41 मीटर ऊंचाई है, कितनी है, 41 मीटर, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, मुंबई में कौन सा स्मारक स्थित है, मुंबई में कौन सा स्मारक स्थित है, तो सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है, मुंबई में कौन सा स्मारक स्थित है। तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहां स्थित है, मुंबई में स्थित है, और इंडिया गेट कहां स्थित है, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली शहर में स्थित है, जो कि भारत की राजधानी है दिल्ली, उसमें इंडिया गेट स्थित है, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है, ठीक है, कहां स्थित है, मुंबई में। अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई जो है वो भारत का सबसे अमीर शहर है, ठीक है, यह भारत का सबसे अमीर शहर है, ठीक है, यह भारत का सबसे अमीर शहर है मुंबई, ठीक है। अगर हम बात करें यहां कि गेटवे ऑफ इंडिया की, ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माता कौन थे, ठीक है, अगर हम बात करें गेटवे ऑफ इंडिया की, तो गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माता, इसके निर्माता की बात करें तो इसके निर्माता कौन थे, पंचम किंग जॉर्ज, ठीक है, कौन थे, पंचम किंग जॉर्ज और कौन थे, पंचम किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी, ठीक है, कौन थे,
क्वीन मैरी, ठीक है, ये थे। अगर हम बात करें कि इसका निर्माण कौन से सन में हुआ था, तो 31 मार्च 1911 में हुआ था, ठीक है। इकतीस मार्च 1911 में इसका निर्माण हुआ, ठीक है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 4 दिसंबर सन 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 4 दिसंबर सन 1992 में। ठीक है, 4 दिसंबर सन 1992 में जो है इनकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, तो इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी थी, वो 26 मीटर थी। कितनी थी? 26 मीटर इसकी ऊंचाई थी। अगर हम बात करें इसके मीनारों की संख्या की, ठीक है, तो मीनारों की संख्या, तो इनके मीनारों की संख्या कितनी थी? 4 थी, ठीक है। कितनी थी? इनके मीनारों की संख्या 4 थी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बच्चों क्या रहने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें, सभी लोग बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। दिया है कुतुब मीनार किस जगह पर स्थित है, कुतुब मीनार जो है वो किस जगह पर है, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, दिल्ली। दिल्ली के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि इसके मुख्यमंत्री कौन है, और ये दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली हमारा राइट आंसर होगा, कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे ऊंची मीनार, ठीक है, तो सबसे ऊंची मीनार जो है वो विश्व की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, ठीक है। और ये जो है किसकी बनी हुई है, ईंटों की बनी हुई है। तो बात करें ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, सबसे ऊंची मीनार है जो कि ईंटों की बनी है, जो ईंटों से बनी है, ठीक है, किससे बनी है, जो कि ईंटों से बनी है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 72.5 मीटर, ठीक है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, तो ये कितनी है, 72.5 मीटर, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका जो व्यास है वो कितना है, ठीक है, अगर हम इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास हो जाएगा 14.6 मीटर, ठीक है, 14.6 मीटर। अगर हम बात करें कि इनमें सीढ़ियों की संख्या कितनी है, ठीक है, सीढ़ियों की संख्या, सीढ़ियों की संख्या, तो इनमें सीढ़ियों की संख्या जो है वो कितनी है, 379, ठीक है, कितनी है, 379, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके ऊपर शिखर पर, ठीक है, जो चिमनी होती है तो उसके ऊपरे शिखर पर जो है व्यास कितना होता है, ऊपर शिखर पर व्यास, ठीक है, तो ऊपर शिखर पर व्यास जो होता है वो कितना होता है, 2.75 मीटर का, 2.75 मीटर का है, ठीक है, इतने का है, 2.75 मीटर का है, ठीक है। इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब करवाया था, इन्होंने सन 1911 में, ठीक है, सन 1911
सर 1911 से आरंभ करवाया था। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो तो अब तक तो थे आपके जीके के क्वेश्चन, ठीक है, अब तक तो थे आपके जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन, अब ये हैं जर्नल साइंस के, ठीक है, ये है विज्ञान के क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा कितने तापमान पर होता है, सबसे ज्यादा कितने तापमान पर होता है पानी का घनत्व। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, और सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है हमारा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व कैसा रहता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर हम बात करें जल की, ठीक है, अगर हम बात करें जल की यानी कि पानी की, तो पानी का अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, इसका अणुसूत्र जो है वो क्या होता है, H2O, क्या होता है H2O, इसका अणुसूत्र होता है। अगर हम बात करें इसके IUPAC नेम की, ठीक है, IUPAC नेम, अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो क्या होता है, ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीडेन, ठीक है, ऑक्सीडेन इसका IUPAC नेम होता है। अगर हम बात करें इसके मोलर द्रव्यमान की, अगर हम बात करें कि इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका मोलर द्रव्यमान 18.0153, ठीक है, 18.0153 ग्राम पर मोल, ठीक है, पर मोल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके गलनांक की, ठीक है, अगर हम इसके गलनांक की बात करें कि इसका गलनांक कितना होता है, तो इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन की बात करें, अगर हम इसको केल्विन में बात करें तो 273.15, ठीक है, 273.15 केल्विन होता है। अगर हम बात करें इसको फ़ारेनहाइट में तो 211.95 डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके क्वथनांक की, ठीक है, अगर हम बात करें इसके क्वथनांक की, तो इसका क्वथनांक जो होता है वो 99.974 डिग्री सेल्सियस, 99.934 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी केल्विन में, ठीक है, केल्विन में बात करें तो 373.24, ठीक है, 373.24 केल्विन होता है। अगर हम बात करें इसके फ़ारेनहाइट में, ठीक है, तो 211.95, ठीक है, 211.95। डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये जो है थोड़ा गलत हो गया है, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे इधर।
ये जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है ये गलत है, ठीक है, क्या है गलत हो गया थोड़ा सा, इसमें हम देख लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 32, ठीक है, क्या होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कान की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं, कान की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें, सभी सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें हमारा, कान की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं, तो देखेंगे कान की मांसपेशियां जो होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, वो अनैच्छिक होती हैं, कैसी होती हैं, अनैच्छिक, ठीक है, क्रिया के यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है, ठीक है, अगर हम चाहें कि अपने हाथ को ऐसे चला लें तो हम ना हाथ को ऐसे चला सकते हैं, तो ये ऐच्छिक क्रियाएं होंगी, ठीक है, और कान अगर हम कहेंगे कान हम हिला लें तो नहीं हिल सकते, ठीक है ना, तो ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया हमारा, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है सभी बच्चे बताएंगे, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है सभी बच्चे बताएंगे, क्वेश्चन दिया है, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, तो सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें, जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सात रंग का, ठीक है, कैसे रंग के, सात रंग का बना होता है, सात रंग कौन कौन से होते हैं, अगर हम सात रंगों की बात करें तो बैंगनी, नीला, हरा, पीला, ठीक है, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, लाल, ठीक है, कितने कलर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, लाल, नारंगी, सफेद, ठीक है, ये सात रंग होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, सात रंग हो गए। अगर हम बात करें कि सात रंगों के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है, बात करें सात रंगों के समूह को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं, पिबग्योर, ठीक है, क्या कहते हैं, पिबग्योर, ठीक है, क्या कहते हैं, पिबग्योर कहते हैं, पिबग्योर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, तो यही जो है सूर्य जो है, कौन, सूर्य, सूर्य जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर कौन सा विटामिन बनाता है, ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर जो है वो कौन सा विटामिन बनाता है, तो सभी बताएंगे कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, तो इसमें देखेंगे जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी बनाता है, ठीक है, क्या बनाते हैं, विटामिन डी बनाते हैं। अगर हम बात करें कि सूर्य की रोशनी, तो सूर्य की रोशनी विटामिन डी प्राप्त कर देती है, ठीक है, ये जो है मन काम शरीर दोनों को अच्छा रखता है, ठीक है, विटामिन डी जो है वो क्या करता है, मन काम शरीर दोनों को अच्छा बनाती है,
दोनों को अच्छा बनाती है, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विटामिन सी कौन से फल से कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। विटामिन सी जो है वो सबसे सबसे अधिक जो है कौन से फल में होता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, विटामिन सी कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंवला में, ठीक है, आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। अगर हम विटामिन सी के स्रोत की बात करें तो विटामिन सी के स्रोत जो है, अगर हम इनके स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत जो है वो क्या है, विटामिन सी के स्रोत पहला तो आंवला हो गया, ठीक है, पहला हो गया आंवला, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो नींबू संतरा टमाटर, ठीक है, नींबू कामा संतरा कामा टमाटर ईटीसी, ठीक है, ईटीसी यानी कि और भी है। अगर हम बात करें कि इसकी खोज, ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी, होलकट ने की थी। अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, होलकट ने की थी, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दिया है निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें, तो देखेंगे इस पर राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, पारा, ठीक है, पारा हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। यह जो है यह डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है, ठीक है, पारा जो है वो डी ब्लॉक का डी ब्लॉक का अंतिम तत्व कैसा है, डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। अगर हम बात करें इसमें कि ये जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80 होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 80 होता है। अगर हम इसका संकेत की बात करें, ठीक है, इसकी संकेत की, तो इसका संकेत जो होता है वो क्या होता है, एच जी, इसका एच जी संकेत होता है। इसका क्वथनांक गलनांक कितना होता है, अगर गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक जो है वो कितना होता है, तो 38.83, ठीक है, 38.83 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम बात करें इसके क्वथनांक की, ठीक है, क्वथनांक की बात करें, अगर हम इसके क्वथनांक की बात करें, ठीक है बच्चों, तो क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, 356.7, ठीक है, 356.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा इसका, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा न्यूटन का कौन सा नियम हमें क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में समझाता है, हमें क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में समझाता है, न्यूटन का कौन सा नियम हमें क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में समझाता है, सभी बच्चे बताएंगे, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें, तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तीसरा नियम, ठीक है, तीसरा नियम जो है वो क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में समझाता है। एक किसके आधार पर है, ठीक है, अगर हम देखेंगे ये जो है ये चिरसम्मत, ठीक है, चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर है, किसके आधार पर है, चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर, ठीक है, चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से में कौन सी इकाई तापमान की नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सी इकाई जो है वो तापमान की नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट करेंगे, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे।
तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, जूल, ठीक है, जूल हमारा राइट आंसर होगा। तो जूल जो है, जूल जो है वो किसकी इकाई है, वो ऊर्जा की इकाई है, ठीक है, किसकी है, ऊर्जा की इकाई है, और ये जो है ये किसकी है, ये तापमान की इकाइयां हैं, ठीक है, तापमान को सेंटीग्रेड में भी नाप सकते हैं, जिसको सेंटीग्रेड या सेंटीमीटर कहते हैं, और उसको जो है फारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, और सॉरी सेंटीग्रेड को सेल्सियस भी कहते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं इसको, अगर हम फारेनहाइट को देखें तो उसको फारेनहाइट में भी तापमान को नाप सकते हैं और केल्विन में भी नाप सकते हैं, ठीक है, मगर क्या है, जूल में तापमान को नहीं नापा जाता है, जूल में ऊर्जा को नापा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जी जूल हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी अलग है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है खाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, खाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसमें बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से सभी बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो सभी को पता होना चाहिए राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे और एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के लिए, ठीक है, तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, NaCl, ठीक है, NaCl हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो गया। अगर हम बात करें NaCl के IUPAC नेम की, तो सोडियम क्लोराइड ही इसका IUPAC नेम होगा, ठीक है, IUPAC नेम, IUPAC नेम जो होता है वो क्या होता है, वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। अगला नाम, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा गोबर गैस का मुख्य घटक है, गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मीथेन, मीथेन, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, ठीक है, CH4 जो हो गया इसका क्या हो गया, संकेत हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें गोबर गैस, तो गोबर गैस को बायोगैस भी कह सकते हैं, गोबर गैस को बायोगैस भी कहते हैं, ठीक है, इसको बायोगैस भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसमें CH4, ठीक है, मीथेन जो है वो कितनी पाई जाती है, CH4, मीथेन जो है वो कितनी पाई जाती है, ये पाई जाती है 50 से 75, ठीक है, 50 से 75%। अगर हम बात करें कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है, वो कितनी पाई जाती है, लगभग 25 से 50%, ठीक है, 25 से 50%। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या होता है, N2 कितनी पाई जाती है, ये लगभग 0 से 10% तक पाई जाती है, ठीक है, कितनी, 0 से 10% तक पाई जाती है। अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है, तो इसमें H2 क्या होता है, H2 हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है, तो ये 0 से 1% पाई जाती है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है, तो H2S, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड कितनी पाई जाती है, तो ये 0 से 3% तक पाई जाती है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ठीक है, O2 की, O2 कितना पाया जाता है, तो ये 0% से 0%, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है स्क्रीन पे, सभी बच्चे बताते रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा, ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा, ठीक है, ये जो है इसमें मादा एनोफिलीज मच्छर में जो है कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है, तो इसमें जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाया जाता है, ठीक है,
इसमें कौन सा फ्रूट जो है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये रोग जो है ये कौन सा है, ये संक्रामक रोग है। ठीक है, कैसा है, मलेरिया रोग जो है ये कैसा रोग है, संक्रामक रोग है। कैसा रोग है, ये एक संक्रामक रोग है। अगर हम बात करें कि प्रत्येक वर्ष जो है ये कितने लोगों को प्रभावित करता है, तो ये प्रत्येक वर्ष प्रभावित लोग, ठीक है, प्रत्येक वर्ष में इससे कितने लोग प्रभावित होते हैं, तो 51.5 करोड़ विश्वभर में, विश्वभर में। ठीक है, 51.5 करोड़ विश्व में होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इससे मृत्यु कितने की होती है, अगर हम बात करें कि इससे मृत्यु जो है वो कितने की होती है, तो इसमें कितने की होती है, 10 से 30 लाख की। ठीक है, 10 से 30 लाख लोग जो हैं वो किससे पीड़ित होते हैं, वो मलेरिया के द्वारा जो है मलेरिया से मारे जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो देखेंगे एक क्वेश्चन कट गया है बेटा, चलो कोई बात नहीं, कट गया है तो अगले वीडियो में ले आएंगे उसे। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट करेंगे जल्दी से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो देखेंगे वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो कितना होता है, वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम वेग की बात करें कि वेग का सूत्र, ठीक है, तो वेग का सूत्र क्या होता है, वेग बराबर, ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया वेग का। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, ये है जो 32 वाला क्वेश्चन इधर आ गया, कोई बात नहीं, इधर ले लेते हैं इसको। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल में सबसे अधिक है। ये वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, ये 78% वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, कितनी पाई जाती है, 78% के लगभग पाई जाती है, लगभग, ठीक है, 78% के लगभग पाई जाती है। अगर हम बात करें इसके प्रतीक की, तो इसका प्रतीक जो है वो क्या है, इसका प्रतीक जो है वो क्या है, एन है। ठीक है, एन इसका प्रतीक है। अगर हम इसके बात करें, ये गैस जो है ये कैसी है, अक्रिय गैस है। ठीक है, कैसी है, अक्रिय गैस है। अगर हम बात करें इसके परमाणु क्रमांक की, ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है, अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करें, तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, इसके आवर्त सारणी जो है, इसको आवर्त सारणी में 15वें समूह के प्रथम तत्व में रखा गया है। ठीक है, आवर्त सारणी में पंद्रहवें समूह के प्रथम तत्व में रखा गया है। ठीक है, प्रथम तत्व में रखा गया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहा जाता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को
क्या कहा जाता है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर रहेगा हमारा बच्चों क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी को पता होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखेंगे दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है, तो दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहेगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे, और एक बार वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे, ठीक है, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, इसका उपयोग जो है लैक्टोमीटर का अगर उपयोग देखें तो इसका उपयोग जो है वो किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग दूध के घनत्व की जांच करने में किया जाता है, ठीक है, किसमें, दूध के घनत्व की जांच करने में, ठीक है, दूध के घनत्व की जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो कृपया करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो कि हमारी आने वाली वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है, और ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों, शेयर करते रहिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि आर्मी का क्लास ट्रेड्समैन वाला चल रहा है, ठीक है, तो आप सभी लोग इसको पढ़े देखें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, जीके जीएस आपकी यहीं से आने वाली है, ठीक है, चाहे आप जीके जीएस की जो है बुक ले आइए, उसमें भी यही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है, और पेपर देने जाइएगा, ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, जय हिंद।